नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक पर ललित के साथ। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी है। 17 नवंबर 2021 से नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू है और बहुत सारे नियम कायदे कानून बदल दिए गए हैं। बहुत टाइम से एक्चुअली इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बहुत पुरानी थी और आसपास के जो राज्य हैं, मसलन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उसकी एक्साइज पॉलिसी में समय समय के साथ सुधार हो गया था। दिल्ली में बहुत टाइम से एक्साइज पॉलिसी चेंज करने को लेके एक डिमांड सी बढ़ रही थी और उसी की वजह से दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को लागू कर दिया है। बहुत सारे चेंजेस किए हैं। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में बैंक्वेट ऑन करते हैं, बैंक्वेट के मालिक हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो बैंक्वेट में इवेंट करना चाहते हैं, फार्म हाउसेस में इवेंट करना चाहते हैं, पार्टी लॉन्स में इवेंट करना चाहते हैं और उस इवेंट में शराब सर्व करना चाहते हैं। तो क्या प्रोविजंस हैं, क्या चेंज हुआ है, पुरानी पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आज इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं करूंगा आपसे गुजारिश, यदि आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उस लाल रंग के बटन को हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देंगे कुछ जवाब। मसलन L38 लाइसेंस है क्या? क्या ये सारे बैंक्वेट्स को कवर करता है? क्या ये लाइसेंस लेने के बाद गेस्ट यानी आप वो लोग जो अपनी लिकर कैरी करना चाहते हैं अपने बैंक्वेट इवेंट में कहीं बाहर से परचेज करके, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? और क्या L38 लेने वाले बैंक्वेट्स के ऑनर उस लाइसेंस के लिए, लिकर सर्व करने के लिए कोई अमाउंट चार्ज कर सकते हैं? और सबसे ज़रूरी बात कि ये पॉलिसी पहले वाली पॉलिसी से किस तरह डिफरेंट है। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक्वेट का L38 लाइसेंस दरअसल है क्या। देखिए, अलग अलग तरीके के लाइसेंस हैं जो दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली का एक्साइज अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करता है। मसलन, यदि आप होटल के मालिक हैं और आपको कमरे के अंदर शराब सर्व करनी है तो उसके लिए एक लाइसेंस इशू होता है जिसको बोला जाता है L15। वैसे ही यदि आप रेस्टोरेंट में लेकर सर्व करना चाहते हैं होटल के अंदर तो उसके लिए लाइसेंस इशू होता है L16। और वैसे ही यदि आप बैंक्वेट के मालिक हैं तो अब आपको एक नया लाइसेंस लेना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं अपने बैंक्वेट में लिकर सर्व करना, जिसको नाम दिया गया है L38। तो इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रोसीजर दिल्ली एक्साइज ने बहुत ही सिंपल रखा है। दिल्ली एक्साइज की एक साइट है, उस पर जाना है, रजिस्टर का बटन क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं और आपको अपना बैंक्वेट का एरिया डिफाइन करना है और आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी पेमेंट है उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन रखा गया है। यदि आप उन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते जिसमें DD बनता है और हर पर इवेंट के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आप एक सालाना अमाउंट पे करके पूरे साल के लिए अपने बैंक्वेट के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। ये है L38 लाइसेंस। अब बात आती है, क्या ये सब तरह के बैंक्वेट्स को कवर करता है? देखिए, बैंक्वेट्स की कैटेगरी अलग अलग होती है। दिल्ली में बहुत सारे 5-स्टार, 3-स्टार, 4-स्टार होटल्स हैं और कुछ स्टैंड अलोन बैंक्वेट्स हैं जिनके पास अपने अपने लाइसेंसेस हैं। दिल्ली एक्साइज ये कहता है कि यदि आप किसी भी तरीके का बैंक्वेट ओन करते हैं, चाहे वो स्टैंड अलोन बैंक्वेट में हो, अलग से कमर्शियल जगह पे आपने एक बैंक्वेट बना रखा है, वो किसी होटल के अंदर सिचुएटेड नहीं है, तो भी आपका कोई अप्रूव्ड लॉन है, कोई फार्म हाउस है जिसपे आप इवेंट करना चाहते हैं, या फिर आपका बैंक्वेट है जो होटल के अंदर लोकेटेड है, चाहे वो किसी भी स्टार कैटेगरी में हो, यदि आप L38 लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें कैटेगरी वाइज कोई भी सेपरेशन नहीं दिया गया है। ये लाइसेंस बेसिकली बैंक्वेट्स के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बैंक्वेट कहाँ पे है। आइए आप जानते हैं कुछ एक डिफरेंसेस जो पुरानी पॉलिसी में बैंक्वेट से रिलेटेड इवेंट्स के लिए होते थे और नई पॉलिसी में उसमें क्या चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं अनलाइसेंस प्रीमाइसेस के बारे में, यानी वो वेन्यू जिसने कभी लाइसेंस लिया ही नहीं। मसलन आप एक फार्म हाउस ओन करते हैं, आपके पास कमर्शियल लाइसेंस है उसका ऑपरेट करने के लिए, आपका एरिया ऐसा है कि आपके वहाँ पे लिकर सर्व करने वाले इवेंट बहुत कम होते हैं, तो बैंक्वेट्स क्या करते हैं, बैंक्वेट एक एनुअल लाइसेंस नहीं लेते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो उनको बोलते हैं, तो वो उन लोगों को बोलते हैं कि आप एक लाइसेंस ले लीजिए। तो पुरानी पॉलिसी में क्या होता था, जो भी इवेंट कर रहा होता था कस्टमर या गेस्ट, वो क्या करता था, एक P10 लाइसेंस लेता था और वो ठेके पे जाता था, अपनी डिटेल्स देता था, 15,000 रुपये पर लाइसेंस फीस वो जमा कराता था, उसके बाद उसी ठेके से लिकर प्रोक्योर करता था, अपनी गाड़ी में कैरी करता था उस लाइसेंस रिसिप्ट के साथ, और उसको उस बैंक्वेट तक लेके जाता था और शराब सर्व कर सकता था। इस लाइसेंस के अंदर ध्यान रखिएगा, सर्विस करने की तो अनुमति थी, लेकिन सेल करने की यानी बिक्री करने की अनुमति नहीं होती थी। अब उसी चीज़ को चेंज कर दिया गया है। अब यदि कोई बैंक्वेट L38 लाइसेंस नहीं लेता है, यानी सालाना फीस जमा करा के एक्साइज का लाइसेंस नहीं लिया जाता, तो अब उसे पर इवेंट 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ पे लाइसेंस लिया जाता है, यानी वो बैंक्वेट्स जिन्होंने एक्साइज का लाइसेंस लिया हुआ होता है। अब बहुत सारे 5-star होटल्स, 4-star होटल्स, 3-star होटल्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े बैंक्वेटिंग स्पेस होते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने बैंक्वेट के लाइसेंस प्रेमाइसिस में लिकर सर्व कर सकते हैं। पुरानी पॉलिसी में क्या होता था, आपको P13 अप्लाई करना होता था, यानी गेस्ट की कस्टमर की डिटेल के साथ होटल एक्साइज में एक एप्लीकेशन डालता था ऑनलाइन और एक्साइज उसे अप्रूव करता था। 5,000 रुपये पर इवेंट की फीस होती थी, 4 घंटे का टाइम दिया जाता था लिकर सर्विस का, और होटल से ही लिकर यूज़ करी जा सकती थी। अब उसे चेंज कर दिया गया है और अब पर इवेंट नहीं लाइसेंस लिया जा सकता, यानी हर इवेंट के लिए नया लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सालाना फीस जमा कराइए और L38 लाइसेंस ले लीजिए, और उसके बाद आप इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे आप लंच में इवेंट करें, चाहे डिनर में करें, चाहे कितने भी इवेंट करें, आपको हर इवेंट के लिए अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो पहले तो पर इवेंट 5,000 रुपये फ़ीस होती थी, उसमें एरिया डिफाइंड नहीं होता था, लेकिन अब यदि कोई बैंक्वेट वाला अपने यहाँ परमानेंट एक्साइज का लाइसेंस ले सकता है या लेने की इच्छा रखता है, तो उसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 3 कैटेगरीज, 3 स्लैब बनाए गए हैं, उसके हिसाब से फीस पे करनी होगी। यदि आपके बैंक्वेट का एरिया 5,000 स्क्वायर फीट तक है, तो आपकी सालाना फीस होगी 5,00,000 रुपये, और यदि आपका एरिया 15,000 स्क्वायर फीट तक है, तो आपकी फीस होगी 10,00,000 रुपये, और यदि आपका टोटल बैंक्वेटिंग एरिया आपके बैंक्वेट में 15,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तो आपको एक साथ 15,00,000 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि क्या बैंक्वेटों को, जो इंडिविजुअल बैंक्वेट हैं या होटल्स हैं, उनको ये अधिकार है कि वो कस्टमर या गेस्ट से इस लाइसेंस फीस को चार्ज कर सकते हैं। देखिए, एक्साइज पॉलिसी कहीं भी ये नहीं कहती कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप ये लाइसेंस फीस रिकवर नहीं कर सकते। पहले की एक्साइज पॉलिसी में क्या होता था, होटल्स या बैंक्वेट्स अपने यहाँ से P13 अप्लाई करते थे, 5,000 रुपये का लाइसेंस फीस होती थी, और कस्टमर से 5,000 रुपये या 6,000 रुपये, जो भी होटल की पॉलिसी होती थी, वो चार्ज किए जाते थे। नई एक्साइज पॉलिसी में भी ऐसा ही कुछ होगा और बहुत सारे होटल्स अपने हिसाब से अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि फीस चार्ज कितनी कर सकते हैं। तो देखिए, डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ द बैंक्वेट। बैंक्वेट 5-star होटल में लोकेटेड है, तो ऑफकोर्स आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े। यदि वही बैंक्वेट कहीं स्टैंड अलोन बैंक्वेट है, किसी छोटी जगह पे या किसी रिमोट एरिया में लोकेटेड है दिल्ली के ही अंदर, तो हो सकता है वो आपसे नॉमिनल सा फीस चार्ज करे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बैंक्वेट का एरिया कितना है,
कितने लोगों की गैदरिंग है और एक छोटा सा स्लैब अपने हिसाब से होटल्स बना सकते हैं और इस फीस को चार्ज कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं नई एक्साइज पॉलिसी को लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लीगल क्लिनिक बाय ललित से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।